नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आप ही के चैनल उषा की किरण में। मैं हूं आपकी होस्ट दीप्ति। आज आपके सामने लाई हूं V30 का रिव्यू। V30 हमारे पास दो ऑप्शंस में अवेलेबल होती है, पहले ब्लू कलर में और दूसरे वाइट कलर में। आज हमने V30 का ब्लू कलर चुना है, तो आइए हम जानते हैं इसके फीचर्स के बारे में। सबसे पहले हम बात करते हैं गाड़ी के फ्रंट लुक की। गाड़ी का फ्रंट लुक कुछ इस तरह से दिखाई देता है। आप देखेंगे गाड़ी की फ्रंट, सबसे पहले आपको सिल्वर फिनिश गार्निश की ग्रिल मिलेगी यहाँ पर, जिस पे आपको क्रोम गार्निश मिल रही है। साथ ही में सेंटर में आपको टाटा का लोगो मिल रहा है। यहाँ पर आप देखेंगे आपको ग्रे कलर का बम्पर मिलेगा यहाँ पर, जो कि सिल्वर गार्निश के साथ रहेगा। साथ ही में आप देखेंगे काफ़ी ब्रॉड और स्टाइलिश आपको क्लियर लेंस हेडलैम्प यहाँ पर मिलेंगे। दोस्तों यहाँ पर आपको काफ़ी वाइड सी विंडशील्ड मिलेगी, जो कि विजिबिलिटी को काफ़ी क्लियर करती है। साथ ही में इसको क्लीन करने के लिए आपको दो दो बड़े बड़े वाइपर्स मिलेंगे। चलिए दोस्तों, यहाँ हम बात करते हैं इसके साइड पोर्शन के बारे में। यहाँ पर आपको काफ़ी बड़ा सा ORVM मिलेगा, जो कि पीछे को लुक को देखने में आपकी मदद करेगा। साथ ही में आप यहाँ पर देखेंगे आपको यहाँ पर 14-inch के टायर मिलेंगे, जो कि रेडियल रहेंगे। फ्रंट में आपको यहाँ पर डिस्क ब्रेक मिलेगा। साथ ही सस्पेंशन की अगर हम बात करते हैं, तो यहाँ पर आपको पैराबोलिक लीफ स्प्रिंग सस्पेंशन मिलेगा। चलिए अब हम पीछे चलने से पहले बात कर लेते हैं कैबिन की। फ्रंट में आप देखेंगे यहाँ पर आपको लॉक एंड अनलॉक का ऑप्शन मिलेगा। यहाँ पर आपको काफ़ी वाइड एंट्री मिलती है, और साथ ही में पकड़ने के लिए आपको यहाँ पर ग्रिप मिलेगी, जिसे आप पकड़कर आसानी से बैठ सकते हैं। यदि हम इंटीरियर की बात करते हैं, तो सबसे पहले आप देखेंगे यहाँ पर फुल ब्लैक इंटीरियर मिलेगा। ड्राइवर साइड की बात करते हैं, तो यहाँ पर आपको गेट पर मिरर अप एंड डाउन करने के लिए नॉब मिलेगी। साथ ही में यहाँ पर आपको डोर हैंडल मिलेगा। साथ ही आप देखेंगे यहाँ पर आपको बॉटल होल्डर कैपेसिटी भी मिल जाएगी। यदि हम सीट की बात करते हैं, तो सीट आपको आगे और पीछे एडजस्टेबल रहेगी। साथ ही हेडरूम आपको काफ़ी अच्छा मिलेगा, आराम से 6 से 7 फीट का आदमी कंफर्टेबल बैठ सकता है। दोस्तों बात करते हैं इसके स्टीयरिंग की। यहाँ पर आपको हाइड्रोलिक पावर स्टीयरिंग मिलेगा, साथ ही में सेंटर में टाटा का लोगो मिलेगा, और इस पर आपको हॉर्न भी मिल जाएगा। अब हम बात करते हैं इसके डिस्प्ले की। यहाँ पर आपको इन्फॉर्मेशन डिस्प्ले भी मिलेगा, जिसमें आपको तमाम सारी जानकारियाँ मिल जाएगी। अगर इसके डिस्प्ले में आप देखें, तो यहाँ पर आपको किलोमीटर्स, टाइमिंग, साथ ही में आप देखेंगे यहाँ पर आपको फ्यूल गेज और तमाम सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर शो हो जाएगी। साथ ही यहाँ पर आप देखेंगे यहाँ पर कुछ स्विचेस आपको मिलेंगे। पहले आपको यहाँ पर हेडलाइट लेवल का ऑप्शन मिलेगा, साथ में इको बटन मिलेगा। इको बटन में आप जैसे मान लीजिए आपकी गाड़ी में लोड नहीं है, तो आप इको मोड में गाड़ी चला सकते हैं, जिससे आपकी गाड़ी का एवरेज काफ़ी अच्छा होगा। इससे आप आपकी गाड़ी की फ्यूल एफिशिएंसी काफ़ी अच्छी कर सकते हैं। साथ ही आप देखेंगे यहाँ पर आपको रीजनरेशन का बटन मिल जाएगा। यहाँ पर आपको स्टोरेज कैपेसिटी मिलेगी, आप चाहे तो छोटा मोटा सामान या कुछ भी रख सकते हैं, और चाहे तो आप इसे यूज़ भी कर सकते हैं ड्रिंकिंग वाटर में। दोस्तों हम बात करते हैं इसके डैशबोर्ड की। आपको फुल ब्लैक कलर का डैशबोर्ड यहाँ पर मिल जाएगा। लेफ्ट साइड में आप देखेंगे आपको यहाँ पर ग्लोव बॉक्स मिलेगा, जो इसमें आप छोटा मोटा सामान रख सकते हैं। साथ ही में सेंटर में आपको म्यूज़िक सिस्टम का प्रोविज़न दे रखा है, अगर आप ऐड ऑन करवाना चाहें तो यहाँ म्यूज़िक सिस्टम ऐड ऑन करवा सकते हैं। साथ में हम इसके गियर नॉब की बात करें, तो ये आपको डैशबोर्ड पर ही गियर नॉब इसका दे रखा है, ताकि यहाँ पर वॉक इन थ्रू का स्पेस काफ़ी अच्छा मिल जाए। ये आपको 5-speed मैनुअल ट्रांसमिशन में रहेगी, V30 Intra। अब हम यहाँ पर बात करें, तो यहाँ पर आपको एक चार्जिंग सॉकेट मिल जाएगा, जिससे आप अपना मोबाइल चार्ज कर सकते हैं। साथ ही में पीछे आप देखेंगे, तो यहाँ पर आपको विंडो मिल जाएगी, जिससे आप हवा का आनंद काफ़ी अच्छी तरीके से ले सकते हैं। यहाँ पर आपको कैबिन लाइट भी मिल जाएगी, और पीछे देखने के लिए IRVM भी मिल जाएगा। साथ ही में ड्राइवर साइड आपको सनवाइजर भी मिल जाएगा। तो ये तो थी कैबिन की बात। चलिए दोस्तों अब हम बात करते हैं इसके कार्गो बॉडी की। वैसे अगर आप इसे कैबिन विद कार्गो लेना चाहें, तो इस तरीके से भी ले सकते हैं, और यदि आप इसे कैबिन विद चेचिस लेना चाहें, तो कैबिन विद चेचिस भी ले सकते हैं। फिलहाल हम इसमें बात करते हैं कैबिन विद कार्गो बॉडी की। हम इसकी लंबाई की बात करें, तो 8.8 feet की इसमें आपको लंबाई मिल जाएगी, और अगर इसकी चौड़ाई की बात करते हैं, तो 5.3 feet की इसमें आपको चौड़ाई मिल जाएगी, जिसमें हम 1300 kg तक का सामान आराम से रख सकते हैं। साथ ही में आपको साइड में यहाँ पर हुक्स भी मिल जाएंगे, जिसमें आप अपना सामान आसानी से बांध के सेफली ले जा सकते हैं। आइए अब हम बात करते हैं पीछे की। पीछे आपको कुछ सेफ्टी फीचर्स यहाँ पर देख रखे हैं। जैसे आप देखिए यहाँ पर आपको 2 sensors अवेलेबल है, जो कि गाड़ी पीछे लेने में आपको काफ़ी मदद करते हैं। साथ ही में आप नीचे की साइड देखेंगे, यहाँ पर आपको स्पेयर व्हील मिलेगा,
और यहाँ पर आपको टेल लैंप मिलेगा जो कि ड्यूअल कॉम्बिनेशंस में मिल जाएंगे आपको। यहाँ पर आपको लेफ्ट साइड में मिल जाएगा 35 लीटर्स का फ्यूल टैंक, साथ ही में आपको यहाँ पर मिल जाएगी 12 वोल्ट की एक्साइड की बैटरी जो कि इलेक्ट्रिकल कनेक्शंस के लिए हेल्पफुल रहती है। दोस्तों अब हम बात करते हैं इसके इंजन की। अगर टाटा V30 इंट्रा के इंजन की बात करें तो इसमें आपको 1496 का BS6 डीजल इंजन मिलेगा जो कि 4 सिलेंडर के साथ अवेलेबल रहेगा। साथ ही में अगर हम इसके टॉर्क की बात करते हैं तो 140 न्यूटन मीटर का टॉर्क जनरेट करती है एंड 52 किलोवाट का पावर जनरेट करती है। साथ ही में अगर हम इसके माइलेज की बात करते हैं तो टाटा V30 आपको 18 किलोमीटर पर लीटर का माइलेज दे देगी ऑन रोड। साथ ही में आपको कंपनी 2 साल या 72,000 किलोमीटर तक की वारंटी भी प्रोवाइड करती है। चलिए ये तो थी बात टाटा V30 के कैबिन और कार्गो एरिया की। दोस्तों अगर हम V30 इंट्रा की कीमत की बात करते हैं तो ये आपको इंदौर शहर में मिल जाएगी 8,09,000 रुपये में। आप इसे 8,09,000 रुपये में अपने घर ले जा सकते हैं। अगर आप इंदौर या इंदौर के आसपास रहने वाले हैं तो इस गाड़ी को ख़रीदने के लिए संपर्क करिए श्याम टाटा पर। और उम्मीद करती हूँ आपको मेरा वीडियो पसंद आया है। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल उषा की किरण को। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।